न्यू यंग वाल्मीकि फेडरेशन और यूथ अकाली दल की ओर से आज एक राशन वितरण समारोह का आयोजन जवाहर नगर कैंप में लगाया गया, जिसमें जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किया गया। जानकारी देते हुए न्यू यंग वाल्मीकि फेडरेशन के प्रधान बलविंदर ढोलकच द्वारा बताया गया कि जिन लोगों के सरकार की ओर से नीले कार्ड रद्द किए गए हैं, उनके लिए ये राशन समारोह का आयोजन किया जाता है और वार्ड के लोगों से अपील है कि जब तक उनके नीले कार्ड दोबारा नहीं बन जाते, उसी तरह उन्हें राशन मिलता रहेगा। और क्या कहना था बलविंदर ढोलकच का, जनसभा एक्सप्रेस टीवी के लिए लुधियाना से जसविंदर सिंह की रिपोर्ट। पिछले लंबे समय से तुहाडे वल्लों जिहड़ी मुहिम शुरू की, जिहड़े गरीब परिवार नूं तुसीं राशन दित्ता जांदे हो, की कहना चाहुंदे हो? सारिआं नूं जय वाल्मीकि, हर हर वाल्मीकि, जय भीम, जय भारत। न्यू यंग वाल्मीकि फैडरेशन वालों तो यूथ अकाली दल की पूरी टीम वालों वार्ड नंबर 72 जदों दे इन्हां ने निकम्मी सरकार वालों कार्ड कट्टे गए आ गरीबां दे, उदों दे ही इन्हां नूं मतलब रैगूलर ही राशन वंडिया जा रहा साडी संस्था वालों, ते असीं इदां ही राशन वंडदे रहांगे जदों तक इन्हां दे कार्ड नहीं चालू हुंदे। तो न्यू यंग वाल्मीकि फैडरेशन तो यूथ अकाली दल हमेशा ही वार्ड वासियों की इदे ही सेवा करती रहेगी जिदा हुण करती पई आ। किन्ने क परिवारों नूं अज राशन वंडिया गया? ये 600 परिवारों नूं अज की राशन वंडिया गया जी, पिछली बार 500 सी, हर महीने 100 परिवारों नूं वधाई दा वा। आम लोगों नूं की मैसेज जिहड़ा वार्ड वासियों नूं? मैं वार्ड वासियों नूं आही मैसेज देना चाहना वा कि जिहड़ा भी तुहाडा अनकम्मी सरकार वल्लों कार्ड कूड कट्टे जा रहे, तुहानूं कोई घबराउण की लोड़ नहीं।